पहल कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 3 आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 आकृति एवं स्थान समझ। पहला, पहले में पहला, चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। लुढ़कने वाली पुस्तक, गेंद, गेंद लुढ़कने वाली है और बेलन लुढ़कने वाली है। दूसरा, पासे में कितने किनारे होते हैं, 8 या 12? 12। दूसरा, पहला, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा जो नीचे है, नीचे है उस पर गोला बनाएं। इस चित्र में ये बच्चा ऊपर है, इस पर हम सही और ये बच्चा नीचे है, इस पर गोला बनाएंगे। दूसरा, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? मंगला के सामने कमला, सरिता के सामने चंपा। तीसरा, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। पहला, कितने तिकोने, तिकोने हैं 1, 2, 3, 4। कितने वृत्ताकार, वृत्ताकार है 1, 2, 3। संख्या ज्ञान की समझ। चौथा, गिनकर मिलाइए, 11, 5। ये हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 से मिलाएंगे, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 से मिलाएंगे, पांचवा, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। इनको गिनना है अंकों में और शब्दों में संख्याएं लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंकों में, 12 शब्दों में, 12 इनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शब्दों में, 7। छठा, छोटी संख्या लिखिए। पहला, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरा, 47, 48, 49, 50, 51। सातवा, मिलान कीजिए, 10, 10, 90, 90। आठवा, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। पहला, 15, 12, 18, इनमें सबसे छोटी है सबसे बड़ी, सबसे छोटी है 12, सबसे बड़ी है 18। दूसरा, 46, 83, 76, 57, इनमें सबसे छोटी 46, सबसे बड़ी संख्या 83। आइए आगे बढ़ते हैं। संक्रियाओं की समझ। नवा, गिनकर खाली स्थान भरिए। पहला, 1, 2, 3 + 1, 2, 3, 4, 3 में 4 जोड़ेंगे बराबर 7। दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 19 बराबर 19। दसवां, हल कीजिए। पहला, 5 + 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। दूसरा, 17 - 4, 17 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 1 में से 0 घटाएंगे 1,
13, 11 हल कीजिए। पहला 38 प्लस 13, 38 में 13 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का एक हासिल लगा, 1 3 और 1 4 और 1 5 51। दूसरा 87 माइनस 26, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 61। बारह पहला मिलान कीजिए, 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार 4 हैं, 3 गुणा 4, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 5 बार 3 है तो 5 गुणा 3। दूसरा 10 लड्डुओं से 5 5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं, 2 या 5, 10 10 लड्डुओं से 10 लड्डुओं से 5 5 के 2 समूह बनाए जा सकते हैं। 13 हल कीजिए, सोहन प्लस मोहन, सोहन के पास 1 2 3 4 5 5 पुस्तकें हैं, मोहन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पुस्तकें हैं। पहला है बताओ दोनों के पास कुल कितनी पुस्तकें हैं, 5 और 9 इनको जोड़ेंगे 14। दूसरा श्याम के पास 18 चॉकलेट हैं, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी, बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची, 18 में से 12 दे दी घटा देंगे बराबर 6, उसके पास 6 चॉकलेट बची। 14 दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है, अमानक इकाई है बालिश, हाथ, अंगुल, कदम, वस्तु अमानक इकाई पेंसिल, पेंसिल को हम बालिश और अंगुल से। 42 और अंगुल से शामपट, शामपट को हम हाथ और बालिश से, हाथ और बालिश से। 15 रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए, पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दूसरा अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, आज शनिवार है, कल रविवार और परसों सोमवार। 16 किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही का निशान लगाइए, तो इनमें सबसे ज़्यादा पानी बाल्टी में भरा जा सकता है। दूसरा है किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा, जग से कम मग में। 17 इनका प्रयोग करके लिखिए, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5, 2 और 1। पहला है रुपये 12 बराबर 10 का नोट प्लस 2 का सिक्का, दूसरा रुपये 71 बराबर 50 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 1 का सिक्का। 18 का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ, 18 निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए, पहला स्टार स्टार त्रिभुज त्रिभुज, स्टार स्टार यह आएगा त्रिभुज त्रिभुज,
दूसरा 22, 24, 26, दो दो जुड़ रहे हैं, यहाँ आएगा 28, 30, 19, नामों में आए अक्षरों को गिनिए एवं लिखिए। नाम अक्षरों की संख्या, पहला कमल, कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, या लिखेंगे 3। दूसरा यशपाल, पवन, 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर हैं यशपाल में और 3 अक्षर हैं पवन में, तो कितने हो जाएंगे, 7। बीस, नीचे दिए गए फलों के चित्र देखकर सारणी में संख्या भरिए। पहला है फल संख्या, फल हैं आम, केला, संतरा। आम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आम की संख्या है 6। केला 1, 2, 3, 4, केला है 4। संतरा 1, 2, 3, 3। दूसरा, सबसे कम संख्या किस फल की है, सबसे कम संख्या संतरा। आया समझ में, ये था आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। आप इसे समझ करके इसको हल कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।